दोस्तों, आज हमारे बातचीत के मंच पर स्टूडियो में उपस्थित हैं कवि व्यंगकार और अनुवादक लेखक साहित्यकार ललित ललित जी। ललित जी का मैं स्वागत करते हुए इनका थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को बता देता हूं, और बाकी तो हम इनसे बात करेंगे ही करेंगे। इनका नाम एक्चुअली है डॉक्टर ललित किशोर मंडोरा, और लेकिन साहित्यिक नाम इनका जो है वो ललित ललित के नाम से है। इनका जन्म जो है वो 27 जनवरी 1970 को हुआ, और जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत कम उम्र के हैं ये। इनकी शैक्षणिक योग्यता जो है इन्होंने हिंदी ऑनर्स से किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय करोड़ीमल कॉलेज से। परा स्नातक इन्होंने हिंदी से किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। खेल व विज्ञान पत्रकारिता में सर्टिफिकेट कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय से। और उसके बाद से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से इन्होंने पीएचडी की है, और जिसमें इनके पीएचडी का जो विषय रहा शास्त्रोत्तरी हिंदी व्यंग साहित्य में युगबोध। शुरुआती दौर में मैं इनको बता दूं कि इनकी जो सदस्यता जो है वो प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा नवसाक्षर लेखन पर केंद्रित मूल्यांकन समिति में कई वर्षों तक ये सदस्य रहे हैं। इनके पास साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन का बहुत विशाल अनुभव है। नवसाक्षर लेखन कार्यशालाओं के आयोजन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, सोलन, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, कवर्धा, भिलाई, कांकेर, कोरबा, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, उत्तराखंड में देहरादून, अल्मोड़ा, बिहार में नवादा, पटना, आरा, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, और राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों के आयोजन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे गढ़वाल, श्रीनगर में शिमला पुस्तक मेला, कुल्लू, मंडी, हिमाचल प्रदेश, चंबा, हिमाचल प्रदेश, स्टेट लिटरेसी हाउस लखनऊ, श्री गंगानगर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, जम्मू में JNK कल्चरल सोसाइटी, रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग, छत्तीसगढ़, बेंगलोर, कर्नाटक, बीड, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात, नैनीताल, हल्द्वानी, उत्तराखंड व पंजाब में इन्होंने ये किया। उसके बाद से इन्होंने बड़े बड़े साहित्यिक लोगों का साक्षात्कार लिया है, जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर सेन जंगर, अजीत कुमार, कमलेश्वर, राम नारायण उपाध्याय, डॉक्टर रामदर्श मिश्र, श्री विष्णु प्रभाकर, श्री त्रिलोचन शास्त्री, प्रोफेसर विजेंद्र कृष्णा सोबती, डॉक्टर नगेंद्र, श्रीमती चंद किरण सोनरिक्सा, गोपाल प्रसाद व्यास, श्री KC सोनरिक्सा, डॉक्टर नरेंद्र जस देव सिंह, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल सुख, ज्ञान चतुर्वेदी, चंद्रकांत मेहता, प्रतिभा राय उड़िया जो कथाकार है, नासिरा शर्मा, प्रेम जनमदेव, हरीश नवल, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल, कन्हैयालाल नंदन, पृथ्वीराज मोंगा, अमर गोस्वामी, तेजेंद्र शर्मा, दिव्य रमेश, प्रताप सहगल, गिरिराज, गिरीश पंकज, सुभाष चंद्र, बल्लभ डोबाल, गोविंद मिश्र, राजेंद्र यादव और हरिसुमन बिष्ट। अब जरा इनकी प्रकाशित कृतियों के बारे में, अगर मैं सारा कुछ पढ़ूंगा तो मेरे ख्याल से उसमें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूँ कि इनके कविता संग्रह अगर आप देखें तो इनके कविता संग्रह जो है वो, मतलब मैं तो दंग रह गया इनका कविता संग्रहों की लिस्ट देख करके, कि इन्होंने टोटल जो कविता संग्रह इनकी जो इनके जो अभी तक प्रकाशित हुए हैं वो करीब 37 कविता संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। और इनके जो व्यंग संग्रह है, अगर मैं सबके नाम अभी नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि संख्या वाइज कि इनके व्यंग संग्रह जो है, व्यंग संग्रह भी 26 व्यंग संग्रह है,
और इसमें पांडे जी पर इन्होंने बड़े डंडे बरसाए हैं, तो मैं जरा भी बातचीत करूंगा पांडे जी के बारे में कि पांडे जी ये हैं कौन, और क्योंकि पांडे जी छज्जे पर, पांडे जी सर्वव्यापी, पांडे जी चिर परिचित सर्वव्यापी, पांडे जी मैंने पांडे जी पर बहुत कुछ है, इस पर तो बात करना है। फिर इन्होंने संचयन पे काफी काम किया है, जैसे कि व्यंग रचनाएं ललित 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 का जो है ललित 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 के चुनिंदा व्यंग, ये संचयन इनके प्रकाशित हुए हैं, और अगर उनकी संख्या देखी जाए तो करीब छह इनके इनके संचयन हैं। फिर उन्होंने नौ साक्षरों के लिए पुस्तक लेखन किया है, और नौ साक्षरों के लिए इन्होंने मतलब जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, या मतलब एक तरह से हम लोग किसी जमाने में उनको प्रौढ़ शिक्षा के बोलते थे, लगभग उसी तरह का ये है। ये करीब नौ साक्षरों के लिए इन्होंने 17 किताबें लिखी हैं, और उसमें इन्होंने तपेदिक के बारे में भी और स्वास्थ्य संबंधी भी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, और बहुत सारी जानकारियों से उसमें उनको देने की कोशिश की है। सह लेखन इन्होंने किया है करीब 4, मौसम और धरा, अंबेडकर शतक, ये कविता संग्रह है, और माणिक के काव, ये कविता संग्रह है, और हंसते हुए रोना, इसमें जैसे संपादन किया है तो उसमें कई लोगों ने जैसे कि मथुरा से ये जो पहला वाला मौसम और धारा जो है मथुरा से प्रकाशित है, अंबेडकर शतक जो है वो कविता संग्रह है जो कि इसके संपादक सोहन पाल सुमनाझर हैं, माणिक के काल जो है वो कविता संग्रह है ये तारा चंद्रपाल बेकल हैं, और हंसते हुए रोना के जो संपादक हैं वो प्रेम जनम जी। साक्षात्कार पर इनकी विशेष पुस्तकें हैं सीधी बात साहित्यकारों से, और ये जो है वो सस्ता साहित्य मंडल ये 2013 में प्रकाशित हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने अनुवाद के बहुत सारे काम किए, अनुवादित कार्य जो है तुम्हें अच बोली ये उड़िया से इन्होंने किया है अनुदित, मीनिंग ऑफ योर हैप्पीनेस ये इन्होंने कविता संग्रह का अनुवादन किया है, और संपादन कार्य भी इन्होंने काफी किया है, जैसे कविता संभव, शोध दिशा पत्रिका के फेसबुक कविता विशेषांक, सार्थक व्यंग का यात्री, प्रेम जन्म जय पर, और इसमें इसके संचयन में सुदाम धींगरा भी हैं और ललित जी भी हैं। प्रेम जन्म जय की श्रेष्ठ व्यंग कथाएं, हरीश नवल के 30 व्यंग रचनाएं, संचयन जिसका कि संचयन भूमिका और साक्षात्कार जो है वो ललित जी ने किया है, मेरे पसंदीदा प्रेम जनम जय के व्यंग, इनमें संचयन एवं संपादन ललित जी ने किया है, चाटुकार कलवा इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि संचयन और संपादन इन्होंने किया है, और अब तक श्रेष्ठ 75 श्रेष्ठ व्यंग रचनाओं का भी इन्होंने किया है संचयन और संपादन, 21वीं सदी के 131 श्रेष्ठ रचनाएं का भी इन्होंने संचयन किया हुआ है। पत्र पत्रिका संपादन भी इन्होंने किया है, जैसे आलोक पर्व हास्य विशेषांक जिसका संपादन इन्होंने किया है, शोध दिशा पत्रिका के फेसबुक कविता विशेषांक का भी इन्होंने संपादन किया है, उसका संपादकीय अनुभव इनके पास है। 1995 से नेशनल बुक ट्रस्ट की विभिन्न पुस्तक मालाओं का इन्होंने संपादन किया हुआ है, और उत्तर साक्षरता जो नेशनल बुक ट्रस्ट का जो एक आयोजन है, उत्तर साक्षरता कर्मियों एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के नव साक्षरों के लिए इन्होंने मासिक पत्रिका साक्षरता संवाद का कई वर्षों तक इन्होंने संपादन किया है। हास्य व्यंग की पत्रिका हास्य अटैक में इन्होंने संपादन किया, दैनिक हिंदुस्तान में होली अंकों में प्रख्यात व्यंगकार डॉक्टर हरीश नवल
वेंकट डॉक्टर हरीश नवल पर इन्होंने किया है। फिर संडे ऑब्जर्वर साप्ताहिक हिंदी में दो स्तंभों में इन्होंने संपादन का काम किया है। व्यंग यात्रा मैंने संपादकीय व्यंग यात्रा जो प्रेम जन्म जी निकालते हैं तो उसमें व्यंग यात्रा में इन्होंने संपादकीय सहयोग किया है। विश्व पुस्तक मेला के दौरान प्रकाशित दैनिक पत्रिका मेला वार्ता में ये संपादकीय भूमिका में हैं रहते हैं। संपादकीय परामर्श भी इन्होंने दिया है, जैसे मैंने संपादक कोई और किया उन्होंने संपादकीय परामर्श दिया हुआ है। रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित पत्रिका सद्भावना, जैसे हमारी गाजियाबाद से प्रकाशित पत्रिका कथा संसार, गाजियाबाद से प्रकाशित यूएसएम पत्रिका जो है इसमें। फिर स्तंभ और कॉलम लेखन भी ये इनका रेगुलर चलता रहता है। विदेश मंत्रालय से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका गगनांचल के स्तंभ, राजधानी की सांस्कृतिक गतिविधियों का 13 वर्ष तक इन्होंने उसमें कॉलम लिखा है। और उसके अलावा भोपाल मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक मासिक जो पत्रिका है पत्रिका आसपास, आसपास लाल किले की प्राचीर से, उसमें इन्होंने रेगुलर लिखा है। गाजियाबाद से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका सच का साया में भी इन्होंने कॉलम किया है। गाजियाबाद से प्रकाशित पत्रिका मासिक पत्रिका जिसका नाम ही पत्रिका है, उन्होंने भी इन्होंने व्यंग पर केंद्रित खबरी लाल की कलम का इन्होंने कोई का जो स्तंभ था उसमें भी इन्होंने लेखन किया हुआ है। और पाक्षिक जिसे बाल स्वरूप राही द्वारा संपादित पाक्षिक जो है पाक्षिक समाचार पत्र कल्पांत में इन्होंने घाटी से शिखर तक कॉलम में भी लेखन किया है। और अब थोड़ा मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूं। भास्कर जो पत्रिका है वर्तमान भारत भास्कर छत्तीसगढ़ से जो निकलती है उसमें नियमित इन्होंने लेखन किया कर रहे हैं। और इसके अलावा इनको जैसे कि विशिष्ट साहित्य की इनकी उपलब्धियां जो हैं अनवरत, जो इसका जनवरी 2018 का जो विशेषांक है उसमें ये ललित जी के ऊपर केंद्रित है। इसी तरह से पुष्प गंधा विशेषांक जो है वो इनके ऊपर केंद्रित रहा है। अनुस्वार विशेषांक जो है जिसके संपादक प्रधान संपादक प्रेम जनमेजे जी हैं वो भी इनके ऊपर केंद्रित है। और अंग्रेजी गुजराती पंजाबी कन्नड़ मराठी राजस्थानी तेलुगु उड़िया, मतलब देश की विभिन्न भाषाओं में इनकी रचनाएं अनुदित हुई हैं। और प्रमुख पत्रिकाओं में कविताएं एवं व्यंग एवं कहानियों का इनकी प्रकाशित होती रही हैं। और जैसे इनका विशेष प्रभार जो है, इनका विशेष प्रभारी नई दिल्ली में पुस्तक मेला प्रगति मैदान के ये विशेष प्रभारी हैं। और मेला प्रभारी जयपुर, राष्ट्रीय पुस्तक मेला राजस्थान और छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में जो पुस्तक मेला जो है उसमें ये मतलब मेला प्रभारी के तौर पर इन्होंने मतलब आयोजन को सफल बनाने में इन्होंने काफी योगदान ये देते रहते हैं। और इसके बाद इसके अलावा इनको साहित्यिक कार्यक्रम में काफी भागीदारी इनकी रहती है। विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में सबसे कम उम्र के साहित्यकार, आयु के भारतवर्ष के साहित्यकार के रूप में इन्होंने वहां पर प्रतिनिधित्व किया। और हिंदी उर्दू शिक्षण के 100 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने के उपलक्ष्य में जो टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें इन्होंने 2008 में भागीदारी की थी। और इस तरह के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया हुआ है, जैसे कि नाइजीरिया है, ताशकंद है, संयुक्त अरब अमीरात है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो है वो लम्ही
लुम्बिनी और नेपाल, मतलब लुम्बिनी नेपाल इत्यादि में, और इस तरह के बहुत सारे हैं। मैंने बताया था शुरू में कि काफी लंबा प्रोफाइल है इनका। अब इनको सम्मान जो मिले हैं वो हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार से वर्ष 1991 और 1999, सॉरी 1992 में इनको पुरस्कार मिला है, के लिए श्रेष्ठ कवि के रूप में। फिर छत्तीसगढ़ रायपुर से प्रकाशित सद्भावना दर्पण साहित्यिक पत्रिका की ओर से वर्ष 2001 में इनको पहले सद्भावना दर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय संग्रहालय भोपाल द्वारा जो 6 मार्च 2018 को 8 को संवाद के कुशल संपादन हेतु इनको पुरस्कृत किया गया। रोटरी क्लब दिल्ली अप टाउन द्वारा 7 जनवरी 2009 को इनको सम्मानित किया गया। प्रोफेसर विजेंद्र स्नातक स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। विंड न्यूज नेटवर्क द्वारा 2016 में मलेशिया में राष्ट्रीय गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। पहले रविन्द्रनाथ त्यागी युवा व्यंग सम्मान में सम्मान से मई 2018 में नई दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद जो है वो इनके अन्य लोग उल्लेखनीय योगदान की अगर चर्चा करें तो हम जैसे कि चेन्नई, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि इलाकों में शिक्षकों के साक्षात्कार और शिक्षकों के साथ पठन अभिरुचि का विकास विषय पर इन्होंने अनौपचारिक बातचीत की है। मतलब एक तरह से वो उनसे बातचीत करके, और फिर उन्होंने नवसाक्षर लेखन कार्यशाला दिल्ली चंडीगढ़ में बतौर उसके इन्होंने, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने नवसाक्षरों के लिए कई वर्कशॉप किए हैं, तो लेखक भी के तौर पर भी शामिल हुए हैं। और राज्य संदर्भ केंद्र ट्रस्ट द्वारा 17वें विश्व पुस्तक मेले में सर्वभाषा कवि सम्मेलन के अवसर पर प्रख्यात कवि श्री अशोक चक्रधर के साथ इन्होंने अनेक कार्यक्रमों का संचालन, मतलब सहयोगी संचालन और संचालन किया है। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली, धर्मशाला, रायपुर से इनके जो कार्यक्रम जो है वो प्रसारित होते रहे हैं, और कभी गोष्ठियों में और वार्ताओं में इनकी हिस्सेदारी होती रही है। और आजकल ये जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट के जो हिंदी प्रभाग है उसका ये संपादन, यानी पुस्तकों के संपादन और उनके प्रकाशन वगैरह का कार्यक्रम ये देखते हैं। तो इतना लंबा परिचय ललित भाई का दे करके मैं तो थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ मैं, फिर आगे से बातचीत करेंगे। जी जरूर पीजिए सर, पानी पीजिए सर, पानी पानी तो बहुत जरूरी है सर। पहले ये बताइए कि ये जो आपका इतना ज्यादा जो प्रोफाइल है लंबा चौड़ा, ये जो मेरी थोड़ा मुझे बताइए इसके बारे में कि ये इतना समय आप कैसे निकाल लेते हैं? जैसे हम लोग भी लिखते हैं तो हम लोग तो नहीं इतना लिख सकते। अरविंद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहला सवाल बड़ा गजब है। आपने पहला ये बताया कि मेरे 35 कविता संग्रह हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 साल पहले ये प्लानिंग की कि मेरी शादी की 25वीं सालगिरह अभी 7 मार्च को थी, आज 12 मार्च है, तो क्यों ना इस मौके पर मैं अपनी तरफ से अपनी श्रीमती जी को 25 नए कविता संग्रह भेंट करूं। तो मैंने ये योजना भावना प्रकाशन के जो निदेशक हैं श्री नीरज मित्तल जी, उनसे शेयर किया। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, जब आपके मन में ये विचार आ गया तो हम आपकी मेगा योजना को साकार करेंगे, और आप ये देखेंगे कि इस 7 मार्च को 25 नए कविता संग्रह आ गए, और 35 और 25 कुल मिलाकर 60 हो गए कविता संग्रह। जो आपने 35 बताए वो 60 हो गए,
तो मुझे लगता है कि यदि हम कोई योजना बना लें, उस पर कार्यबद्ध तरीके से आगे बढ़े, तो हर योजना साकार होगी। नहीं, वो तो साकार तो हो गई, लेकिन जी जैसे आपने व्यंग भी लिखे, कविताएं भी लिखी, जैसे भी पढ़ रहा था मैं, कवि आपने नवसाक्षरों के लिए भी काम किया, आपने कहानियां भी लिखी, संपादन भी किया और अपने संचयन भी पर भी काम किया, साक्षात्कार भी लिए, ये कभी कभी आपको भी नहीं लगता कि ये कुछ चमत्कारिक ढंग से होता जा रहा है? ऐसा है अरविंद, अरविंद जी, मैं समय को खराब नहीं करता। मतलब आप ये देखें कि मुझे लिखना पसंद है, यात्राएं पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है। कुछ लोग बीड़ी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और कुछ और व्यसन करते हैं। मुझे 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 लिखने से प्रेम है और पढ़ने से प्रेम है। तो मुझे लगता है कि जो लिखा जाए वो अच्छा है और जो लिखा जाए वो कम है। और जहां तक इंटरव्यूज की बात है, एक जमाने में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, चाहे वो रामविला शर्मा हो, डॉक्टर नगेंद्र हो, कृष्णा सोबती हो, कमलेश्वर हो, और पंडित रामनारायण उपाध्याय हो, जो खंडवा से आते हैं। और उन्होंने एक बार ये लिखा कि ललित, तुम दिल्ली के कंक्रीट भरे शहर में रहकर इतने संवेदनशील कैसे हो और कैसे लिख लेते हो? तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे लिख लेता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि महानगर में हम रहते हुए हम ये महसूस करते हैं कि हमारे छज्जे पर जो पहले चिड़िया आती थी, वो चिड़िया यहाँ से चली गई। लेकिन बताऊं कि मैं अभी पिछले हफ्ते जब हेवलॉक और पोर्ट ब्लेयर से लौट कर आया, तो मैंने बहुत सारी चिड़िया देखी वहां। मैं खुश हो गया, मैं मलेशिया गया, मैं हांगकॉन्ग गया, तो वहां भी चिड़िया बहुत सारी थी। मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रकृति की ओर चिंताएं करनी पड़ेगी। हमें बेशक हम कहीं भी रहें, लेकिन हमें इतना मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अपने को नहीं समा लेना है कि हम हमसे दूर पशु पक्षी दूर होते चले जाएं। लेकिन जब हम दूर किसी पार्क में, किसी उद्यान में जाते हैं, तो हमें लगता है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बचाए रखना है, उसको बनाए रखना, उसमें हम सबकी भागीदारी है। जी अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप, आपने पढ़ाई की, आपने हिंदी में एमए किया, फिर उसमें आपने पीएचडी की, ये बीच में जैसे आपने ये खेल और पत्रकारिता, इसमें सर्टिफिकेट मतलब कि कैसे आपने इसके हाँ, बारे में? ये मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सर, ये जब हमने एमए कर लिया तो थोड़ा सा समय हमारे पास खाली था, तो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स है स्पोर्ट्स साइंस जर्नलिज्म, तो वो जरूर करना चाहिए। तो वो स्पोर्ट्स साइंस जर्नलिज्म का कोर्स किया, 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स था, प्रमाण पत्र कोर्स था। तो उस कोर्स का एक फायदा ये हुआ कि वहां हमको रत्नावली मित्रा जी पढ़ाने आती थी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यदि मुझसे मिलना चाहें तो आप आकाशवाणी केंद्र में आप आ सकते हैं। तो उनसे मिलने का और वो क्लास करने का एक फायदा ये हुआ कि मुझे आकाशवाणी में प्रोग्राम्स का मौका मिला। तो वहाँ ब्रिजमोहन गुप्त थे स्टेशन डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया। उन्होंने बोला, ललित जी आप हिंदी के विद्यार्थी हो, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे लिए एक प्रोग्राम कीजिए साहित्य में विज्ञान की भूमिका। तो उसमें गंगा प्रसाद विमल, उसमें रमेश चंद्र पंत और बहुत सारे हिंदी के जो लेखक थे, उन लोगों से बातचीत की। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा फ्रूटफुल कार्यक्रम था। और जब भी मैं चिट भेजता था किसी के पास, ललित ललित आकाशवाणी केंद्र, चाहे विमल जी हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हिंदी का हो, यदि वो अपने अधीनस्थ के साथ मीटिंग में बिजी है, लेकिन मेरे नाम की जब चिट अंदर जाती थी तो मुझको बुला लिया जाता था। और मुझे लगता था कि वाकई में इस तरह के काम मिलना तो बहुत अच्छी बात है। जब आप आकाशवाणी से जुड़ते हैं और आपको प्रोग्राम मिलते हैं, आप देखेंगे कि जब मेरा पहला प्रोग्राम आकाशवाणी से आया, तो उससे हफ्ता पहले मैंने एक ट्रांजिस्टर खरीदा था 150 रुपए का, और आकाशवाणी में अपने नाम को सुनना और उसका अपने कार्यक्रम का प्रसारण, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। मेरे मोहल्ले के लोग बड़े खुश थे, मेरे मित्र बड़े खुश थे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मेरे मेरे साथ में एक हमारे दोस्त थे अरुण कुमार जैमिनी, उनके पिताजी आकाशवाणी में काम करते थे। तो मैंने भी बोला कि मैंने, अंकल मुझे भी कभी मौका मिले, तो उन्होंने एक बात मुझे कही कि बेटा आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और हफ्ते बाद ही मुझे वो जो सूत्र वाक्य था वो घर कर गया।
और मैं आकाशवाणी में मेरा प्रोग्राम था, और अब मैं बहुत सारे मैंने प्रोग्राम आकाशवाणी में किए। पहले हम स्वागत कक्ष रिसेप्शन में जाते थे, और आज आज का दिन इतना अच्छा है कि वो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो प्रोड्यूसर या उद्घोषक या जो भी कार्यक्रम से जुड़े लोग हैं पूछ लेते हैं कि ललित जी कृपया गाड़ी का नंबर बता दें और आप गाड़ी आपकी एंट्री करेगी और आप सीधे हमारे वीआईपी लाउंज में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी होता है वो सब धीरे धीरे होता है, और बाकी तो शुरुआत है, अभी तो काम करना है, बहुत सारा काम करना। जी ये जी कविताएं अतुल जी, लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सर कविताएं, मैं जब छोटा था तो मैं सुरेंद्र शर्मा जो पद्मश्री हैं, हरियाणवी कवि हैं, तो वो कविताएं सुनाया करते थे कि ए जी ऊपर की बर्थ पर कहीं आ जाऊं, मैंने डर लागे गिर जाऊंगी, मैं बोलो भगवान तू ऊपर तो जा, तेरे जाते बर्थ नीचे ने आ जाएगी। मुझे लगा कि जब मैं सुरेंद्र शर्मा की कविताएं सुना सकता हूं, तो मुझे किसी ने बोला कि ललित जी आप तो खुद बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, और ये शायद 8वीं 9वीं कक्षा की बात है। तो फिर मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, मंडल वाला मामला भी था, कुछ और कविताएं भी लिखी। जब मेरी पहली कविता छप पर आई तो वो सांदे वीर अर्जुन था, अनिल नरेंद्र उसके संपादक थे, तो उसकी मैंने बहुत सारी प्रतियां खरीदी। और एक दिन वो भी आया जब मंच पर सुरेंद्र शर्मा भी थे और मुझे भी कविता पाठ का मौका मिला, और शायद वो पहली बार ऐसा मंच मैंने शेयर किया कि मुझे एक लिफाफा मिला। ये उस जमाने की बात है, तकरीबन 25 साल से ज्यादा की बात है, 30 साल हुए होंगे या 35 साल हुए होंगे। तो उस जमाने में वो लिफाफा मिला था कविता सुनाने का, 100-100 के कई सारे नोट थे। आप ये देखिए, 2500 रुपए उस नवोदित लेखक को मिल जाए तो कम बड़ी बात नहीं है। तो कई दिन तक नींद नहीं आई कि भाई मंच में तो बड़ा पैसा मिलता है, लेकिन किसी ने ये भी कहा कि मंच में पैसा बहुत है लेकिन जब तक गला है तब तक पैसा है, जिस दिन गला गड़बड़ कर जाएगा उस दिन पैसा आप अलग हो जाएगा। और किसी ने यह भी कहा कि मुद्रित शब्द की हत्या कभी नहीं होती, वो हमेशा बने रहते हैं, स्थायी रहते हैं। तो शायद यही वजह थी कि हमने मंच से किनारा किया और किताबों की दुनिया में आ गए। लेकिन आज मंच के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कवि हैं, वो मेरे मित्र हैं, चाहे वो दिनेश रघुवंशी हो, अरुण कुमार जेमिनी हो, बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे दोस्त। तो अच्छा, कहानियां बीच बीच में लिखी आपने, उन पर काम नहीं किया, कहानियों के संग्रह वगैरह पे? नहीं, कहानियां जो है आप उसको ये इस तरह ले सकते हैं, जो हमारे नवसाक्षर हैं जो अभी पढ़ना सीख रहे हैं, 18 से 35 वर्ष की उनकी आयु है, उनके लिए मैंने जो 25 पतली पतली किताबें आप कह सकते हैं, जिसमें जिसमें एक कहानी जो है वो 2500 से 3000 शब्दों के बीच की है, उनके लिए कहानियां लिखी हैं, मोटिवेशनल है, महिला सशक्तिकरण पे है, जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, या शांतिपुर की बिमला जिसका नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशन किया है और उसके कई सारे रिप्रिंट भी हुए हैं, और कई सारी किताबें मैंने जामिया मिलिया के लिए लिखी है, वाणी प्रकाशन के लिए लिखा है। तो लिखना मुझे शुरू से पसंद रहा, चाहे वो कहानी का क्षेत्र हो या कविता का हो। मुझे तो ये लगता है कि भवानी प्रसाद मिश्र की वो पंक्ति है, जी हजूर मतलब भवानी भाई का मेरे पर बड़ा असर रहा। तो मुझे लगता है कि जो लेखक है वो कुछ भी लिख सकता है, कहानियां हो, कविताएं हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि ललित जी आपने व्यंग, तो आप तो कविता के आदमी थे, आप व्यंग में क्यों आ गए? मुझे, मैंने उनको सीधे से कहा कि आपका आपके लेखन पर संगत का बड़ा असर पड़ता है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, दिल्ली पश्चिम विहार में, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे प्रेम जन्मेजय रहते हैं, हरीश नवल रहते हैं, एक बार ज्ञान चतुर्वेदी भी आए थे, अंजनी कुमार चौहान भी आए थे। तो मुझे शुरू से ही लगता था कि भाई इन लोगों की जो रचनाएं हैं वो बड़े बड़े पेज में छपती है, ये फोटो भी छपती है, और हमारी कविताओं को थोड़ा सा छोटा सा स्थान मिलता है, तो वो हमें बड़ा मौका कम मिलेगा। तो धीरे धीरे वो समय बदला और हमें भी मौका मिलने लगा। तो आज अच्छा लगता है कि चाहे वो भारत भास्कर हो या नवभारत टाइम्स हो, दैनिक जनसंदेश हो, बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, सवेरा हो, पंजाब केसरी हो, बहुत सारे अखबारों के नाम अभी याद भी नहीं आ रहे, लेकिन अब अधिकांश संपादक कह देते हैं कि आप हमारे लिए लिखें। तो मुझे अच्छा लगता है कि लिखना जारी है, और लिखे बिना चैन नहीं मिलता, बहुत सारी समस्याएं विसंगतियां हैं, आपको चुभती है, मतलब आपको कहती है कि भाई मुझे लिखो,
मुझे हाईलाइट करो, तो अब कलमकार क्या करेगा, लेखक क्या करेगा, वो लिखेगा और लिखना पसंद है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। जी अरविंद जी, जी, जैसे मैं ये देख रहा था कि आपने कई बड़े बड़े लोगों का साक्षात्कार लिया है, जी तो ये साक्षात्कार इनका कोई संकलन भी तैयार किया आपने? ये जो है, पहले वो श्री कृष्ण जी ने छापा था, सीधी बात साहित्यकारों से, फिर साहित्य ये जो सस्ता साहित्य मंडल है, कृष्णदत्त पालीवाल जी थे, उन्होंने बोला कि मैं इसको प्रकाशित करूंगा, तो सस्ता साहित्य मंडल ने वो प्रकाशित किया है, और मुझे लगता है कि शायद उसमें 21 लेखक हैं, या इस 21 से थोड़े से ज्यादा लेखक हैं, लेकिन ये एक समय तक चलता रहा और बीच में फिर ये छूट गया, और बीच में मैं व्यंग में आ गया, मैं कविताओं में आ गया, और बहुत सारी फिर घर की समस्याएं, ऑफिस का काम, और फिर ऑफिस की यात्राएं जो बहुत सारी हैं, तो इसलिए बीच में इंटरव्यूज थोड़े से कट गए, लेकिन मैं जब लोगों का इंटरव्यू लेता था एक जमाने में, लेकिन मैं जब अब जब मेरे इंटरव्यूज होने लगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, और ये भी लगता है कि हम कितने पानी में है, हमें और क्या करना है और किस तरीके से काम करना है। मैं आपको बताऊंगा अरविंद जी, मेरा बेटा छोटा है, अभी 6 में आएगा, वो पिछली बार जब मेरे साथ बुक फेयर में आया था, उसने बोला पापा एक बात बताओ, ये जो वर्ल्ड बुक फेयर है, इसमें हर गलियारे में मैं आपके साथ चल रहा हूँ, एक तो आपको लोग इतने सारे मिल रहे हैं, और आपकी शिमला से आपकी पुस्तक है, सामिक से आपकी है, नमन से है, अमन से है, किताब घर से आने वाली है, वाणी से है, एलबीटी से है, भावना से है, और किताबगंज से है, एपीएन से है, और इतने, मैंने कहा मुझे भी याद नहीं है, कहते पापा एक बात बताओ आपकी फोटोज क्यों लगी हुई है, आपकी फोटो क्यों लगा रखी है, मैंने कहा जैसे थाने में अपराधियों की फोटो होती है, पुस्तक मेले में रचनाकारों की फोटो होती है, इसलिए बेटा इन्होंने फोटो इसलिए लगा रखी है, तो चाहे शिवना हो, पंकज सुबीर हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को व्यंग पसंद आ रहे हैं, कविताएं पसंद आ रही हैं, और लिखना अगर पसंद है मैं सर। आपसे पर्सनली पूछूं आपसे कि आप अपने आप को कवि मानते हैं कि व्यंगकार मानते हैं? क्या बात, मैं सर कॉम्बो, मैं कवि भी हूं, मैं व्यंगकार भी हूं, क्योंकि तो आप ये देखेंगे कि रविंद्रनाथ त्यागी सम्मान जो मुझे मिला, पहला रविंद्रनाथ त्यागी सम्मान 2018 में मिला, वो इसलिए मिला कि ऐसा कौन सा लेखक है जो कविता भी रोज करता है और व्यंग भी रोज लिखता है, तो त्यागी जी प्रेरक है, और कविता लिखता हूँ। अगर मैं सोचूंगा कि मैं व्यंगकार हूं या मैं कवि हूं, तो मैं कम्बो हूं सर, वन गेट वन फ्री। एक बात बताइए, चूंकि मैंने तो आपके व्यंग देखे हैं काफी, मतलब पढ़े भी हैं, मेरे मेरे दिमाग में एक सवाल आपसे मतलब जानना चाह रहा हूं कि व्यंग और हास्य ये दो चीजें हैं, तो आप बताइए कि व्यंग, एक अच्छे व्यंग में हास्य का होना जरूरी है या उसमें सिर्फ कटाक्ष का होना जरूरी है? सर ऐसा है कि चूंकि ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, और मैं सवाल के साथ साथ मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूँ, अगर आपको एक आलू का परांठा मिल जाए, उसमें आलू भी हो और मिर्ची भी हो, तो उसका अपना ही आनंद है, इसी तरह एक व्यंग आपको हंसा भी सकता है, आपको रुला भी सकता है। मैं आपको बताऊं कि एक व्यंग जो है, मैंने प्रेम जन्मेजय का पढ़ा, तो वो रुलो, मतलब रुला गया, तो और कई ऐसे व्यंग हैं जो हम पढ़ते हैं और अपन अपन इतना हंसते हैं कि पूछो मत, तो मुझे लगता है कि असली व्यंग वही है जो आपके भीतर तक एहसास, एक नई ताजगी और एक नए एहसास को जन्म देता है, और आप ये देखेंगे कि हास्य का भी उतना ही होना जरूरी है जितना दूसरी मटेरियल का है, लेकिन एक एक अच्छा व्यंग यदि आपको ताजगी से भर देता है, आपको ऊर्जा से भर देता है, आपको एनर्जी से लबरेज कर देता है, तो मुझे लगता है कि असली व्यंग वही है। अच्छा, नहीं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर व्यंग में हास्य नहीं है तो फिर व्यंग वो सपाट हो जाता है।
नहीं नहीं सर, वो अब देखो ना, अब इतने सारे लोग हैं, सबका टेस्ट अलग है ना। अब किसी को कौन से, माने किसी को लक्ष्मी शंकर वाजपेयी पसंद आते हैं, किसी को बाल स्वरूप राही पसंद आते हैं, किसी को प्रेम जन्मेजय पसंद आते हैं, किसी को अंजनी कुमार चौहान पसंद आते हैं, है ना। तो ये फ्लेवर है सर, फ्लेवर ऑफ ड्रिंक है ना। तो अलग अलग टेस्ट है, अलग 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 पेय है, किसकी क्या पसंद है। किसी को, आपको दिलीप कुमार पसंद आ सकते हैं, किसी को शाहरुख खान पसंद नहीं आते, किसी को सलमान पसंद आते हैं, किसी को सोनू सूद पसंद आते हैं। सबकी चॉइस अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबका लेखन डिफरेंट टाइप का है, और किसको कब किस क्षण कौन से लेखक की बात पसंद आ जाती है, इसको कह नहीं सकते। लेकिन जैसे कि मान लीजिए अलग अलग कला लोगों को अलग अलग कलाकार पसंद आते हैं, लेकिन उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे जिसको मानदंड मान के किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्टिंग की बात अगर की जाए, है ना, तो एक्टिंग की बात जी अगर की जाए, या जैसे रोमांटिक हीरो की बात की जाए, या मान लीजिए एंग्री यंग मैन की बात की जाए, तो वो तो समझ में आ जाती है कि एंग्री यंग मैन की बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन का जिक्र आ जाएगा, रोमांटिक हीरो की बात करेंगे तो राजेश खन्ना का जिक्र आ जाएगा, अगर ट्रेजेडी किंग की बात करेंगे तो दिलीप कुमार की बात आ जाएगी। जी लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो नाम उनको दी, जो जो काम वो कर रहे हैं, वो विषय के हिसाब से या विषय वस्तु के हिसाब से वो ठीक कर पा रहे हैं, तभी तो पसंद हम कर पाएंगे ना उन्हें, है ठीक बात, सहमत हूँ आपसे। ना। क्योंकि देखिए हाथ से हाथ, मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना भी नहीं कर रहा हूं, हाथ से कई बार व्यंग से भी पैदा होता है। बड़ी बात, अरविंद जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोरोना काल में आप ये देखेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे, यूपी में एक सब इंस्पेक्टर है, आई थिंक भगवत शरण उपाध्याय है क्या है, और मैंने मैंने उनका किरदार कई बार देखा, महसूस किया, और मैंने एक एक किरदार डेवलप किया। जैसे मेरा विलायती राम पांडे है, तो मैंने दगड़ू पांडे को डेवलप किया कि दगड़ू पांडे जो है विलायती राम पांडे का भतीजा है, और दगड़ू पांडे पुलिस इंस्पेक्टर है। तो दगड़ू पांडे, अगर दगड़ू पांडे को कोरोना काल में एक बग्घी जाती दिखाई दे गई, उसने बग्घी को रुकवाया, बोले दगड़ू पांडे ने बोला, ए बाबा ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, ये ना तो इस समय कोई नाटक चल रहा है, ना कोई फिल्म कोई शूटिंग चल रही है, इस समय कोरोना काल चल रहा है, अब तुम बग्घी लेके कहाँ जा रहे हो, ये बग्घी लेके जाना कानूनी अपराध है, आपको मालूम है आपने मास्क नहीं पहना है, कोरोना चला हुआ है। पर इस तरह की चीज आप ये देखेंगे, वो दगड़ू पांडे का जो किरदार मुझे वहां से मिला, और दगड़ू पांडे वाले किरदार को मेरे कई सारे मित्रों ने, चाहे वो माने चंद्रकांता हो जो पालमपुर में है या कुछ और, तो उन्होंने अपनी वॉइस भी उसको दी। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि आप कौन सा व्यंग और उसके अंदर जो हास्य वाली बात है वो कहाँ किसको पसंद आ जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सामग्री जो जो आपके पाठक बन रहे हैं, आपके पाठक तैयार हो रहे हैं, और पाठक को मैंने जैसे बताया कि मैं जब शुरू शुरू में जब विनोद वार्ता के लिए आकाशवाणी में गया, तो मुझे मालूम नहीं था कि विनोद वार्ता पढ़नी कैसे, तो एक उसका भी तरीका है। जब बंबई के मेरे मित्र हैं वागीश सारस्वत, उन्होंने एक बोला कि ललित भाई ये भी परफॉर्मिंग आर्ट है, जो व्यंग पढ़ना है वो भी परफॉर्मिंग आर्ट है, तो अपन सीधे सीधे व्यंग पढ़ रहे हैं। तो लेकिन जब मुझे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली की प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं ललित जी, थोड़ा सा कुछ नयापन लाइए, तो मैंने सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे बीच में स्टूडियो मौजूद है विलायती राम पांडे और उनके भतीजे दगड़ू पांडे। दगड़ू पांडे अभी भी छूट कर आए हैं, और ऐसे छूट के आए हैं जैसे बंबई सूचकांक का कोई शेयर मार्केट में ध्वस्त हुआ, थोड़ी देर के लिए खिला, तो मैं वो उस इस शैली में बात की, तो उनको लगा कि नहीं, ये आपका तरीका ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो आपने पहले सपाट बयानी वाली बात की, तो व्यंग में
जो हमारा परफॉर्मिंग आर्ट है, वो हमारे जो लिसनर्स है, हमारे जो पाठक है, वे भी कुछ नयापन चाहते हैं, तो मसाला तो बहुत जरूरी है। इसलिए अपन कोशिश करते हैं कि व्यंग में जिस तरह हम खान पान में मसालों का ध्यान देते हैं, उसी तरह लेखन में भी मसाला की डिमांड है। जी ये बताइए कि इसी पर एक सवाल और है मेरा कि आज व्यंग बहुत लिखे जा रहे हैं, जी माने आप अखबार से उठा करके देख लीजिए और कुछ पत्रिकाओं में भी अब व्यंग रेगुलर आने लगे हैं, लेकिन व्यंग को एक साहित्यिक विधा के रूप में अभी उतना सम्मान नहीं मिला है जितना कि मिल जाना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि सम्मान मिल जाना चाहिए, मैं कहता हूं कि व्यंग को मानक मान लिया गया है, वो विधा के तौर पे उसको स्वीकार कर लिया गया है। आप देखेंगे कि प्रेम जन्मेजे जी को व्यंग यात्रा निकालते हुए 16 साल हो गए हैं, और शुरुआती दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साथ मिलकर उन्होंने 3 दिन का एक शिविर साहित्य अकेडमी दिल्ली में किया, जो शायद पहली बार ऐसा हुआ जिसमें नरेंद्र कोहली से लेके सुभाष चंद्र और तमाम सूर्य बालाजी, गिरीश पंकर, तमाम सब लोग आए थे। उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने ज्ञान चतुर्वेदी, हरीश नवल, प्रेम जन्मेजे, सुभाष चंद्र, है ना, इन सब की सब व्यंगकारों की कृतियां हम लोग लेके आए। फिर मैंने सबसे पहले नैनीताल में नवसाक्षरों के लिए हास्य व्यंग की कमी को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया, और तब से लेके अब तक लगातार हम विश्व पुस्तक मेलों और जो हमारे जो स्थानीय पुस्तक मेले हैं उसमें एक सत्र हम व्यंग का रखते हैं, जो स्थानीय व्यंगकार हैं उनको जोड़ते हैं। और इसके बाद में जो आपने भी बात की थी कि चाटुकार कलवा, इसमें आप देखेंगे कि ये पुस्तक मेरे हाथ में है, चाटुकार कलवा, और इसमें देश के 56 व्यंगकारों की रचनाएं हमने ली। और इसके बाद में आप ये देखेंगे, मैं और आपको दिखाऊं, अब तक 75, मतलब 56 से हमने शुरुआत की, अब तक 75 पे आए, अब तक 75 से हम आए 21वीं सदी के 131 व्यंगकार। इसमें देश और विदेश के 131 व्यंगकार हैं, और इसके बाद भी कारवां रुका नहीं, थमा नहीं। हम मात्र 2 महीने में 21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ 251 व्यंगकार हम लेके आए। तो मुझे लगता है कि व्यंग को हमने एक्टिव मोड पे ला दिया है। जो प्रयास है, चाहे उसमें प्रलेख प्रकाशन हो, क्रिएटिव पब्लिशर्स हो, इंडियन नेट बुक्स हो, माने जितने पब्लिशर्स हैं उनको भी समझ में आने लगा है कि व्यंग जो है वो हॉट केक की तरह बिकता है। कहानियां बिकती हैं, उपन्यास बिकता है। ये ठीक बात है कि कविताओं के रीडर्स पाठक कम है, लेकिन कविताओं का भी एक एक वर्ग बन रहा है। व्यंग ने तो अपनी पहचान बना ली है, और आप आजकल आप किसी भी पब्लिशर का कैटलॉग देख लेंगे, सूची पत्र देखेंगे, तो उसमें व्यंग का कॉलम अलग है। चाहे डायमंड पब्लिशर्स हो या कोई भी पब्लिशर्स हो, तो उसमें डायमंड हो या कोई भी, तो अब व्यंग को वो लोग पसंद करने लगे हैं, उनकी किताबें प्रकाशित करने लगे हैं। और आप देखेंगे कि ये संचयन करते हुए आप देखें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा व्यंगकार है, उसके पास उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद ये अपना राजस्थान है, फिर आप देखेंगे दिल्ली है। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में व्यंग लिखा जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। बिहार में भी लोग हैं, तो हर हर क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर में है, अनिला चड़क लिखती हैं, जम्मू कश्मीर में कम लोग हैं जो व्यंग लिख रहे हैं, लेकिन लिखा जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। जी अरविंद जी, अभी आपने बताया कि जैसे आप खाने के बड़े शौकीन हैं, जी ठीक, मैंने देखा कि आप तो डांस वांस करने के भी बड़े शौकीन हैं। सर, ऐसा है, अगर घर में रहना है तो डांस करना पड़ेगा। कोरोना काल में कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि ललित जी आप ना डांस का वीडियो डालते हैं। मैंने कहा आपने देखा, मैं कभी बीड़ी पीता नहीं हूँ, ना तो बीड़ी कभी पीता हूँ ना पीऊंगा, उसका फोटो भी नहीं डालूंगा। मैंने, मैं डांस करता हूँ, इसी बहाने जो है बिटिया और बेटा जो है वो कहते हैं पापा आप डांस करो, कम से कम 2-4 किलो तो वजन कम होगा। तो ये सब क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है उसमें बड़ा प्यारा सा, माने
कुछ खा लिया, अगर समोसा मैंने अरविंद जी के साथ खा लिया समोसा, तो उसको डाइजेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो नहीं, डांस का शौक तो होगा, तभी तो आप डांस कर रहे होंगे ना। आपने डांस तो बड़े अच्छे अच्छे किए हैं, मैंने देखा है उसमें। सर ऐसा है, मैं कह रहा हूं हर आदमी को जिसको डांस नहीं भी आता, अब जैसे हमारे फिल्म स्टार है धर्मेंद्र, उसको डांस नहीं आता, वो मतलब हिलते डुलते रहते हैं, तो जीवन में मनुष्य पेंडुलम की तरह हिलता डुलता रहता है, चाहे वो दफ्तर में हिलता डुलता रहता है, बॉस जब लिखता है प्लीज स्पीक कृपया चर्चा करें, तो जब मना मन आपका हिलता डुलता है, चेयरमैन आपको याद करते हैं, फिर घर वाली ये बोलती है ये साग सब्जी ले आओ, तो फिर आदमी हिलता डुलता है, अच्छा ये पॉलिसी मेच्योर हो गई है, ये इसका पोस्ट ऑफिस में जो है इंटरेस्ट रेट इसका 6.5% है, तो भैया वहां से कैंसिल करवा के ये वाली ले लो, तो मनुष्य जो जब तक इस धरती पे है उसने हिलना डुलना उसका लगातार बना ही रहता है। अब आप देखेंगे आप मेरे साथ लाइव कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने फेसबुक पे सूचना दी कि भैया प्रोग्राम देखो, तो हम लोग हिल रहे हैं डुल रहे हैं, आप भी हिल रहे हैं डुल रहे हैं, फिर मन में कई सारी चीजें और आती हैं कि भाई अरविंद जी का प्रोग्राम बड़ा शानदार है, सबको जुड़ना चाहिए। कितने सारे, अब आपने जो पुष्पगंधा की बात की, तो आप ये देखेंगे पुष्पगंधा अब विकेश निजामन निकालते हैं अंबाला से, और आलोक पर की बात की, ये देखिए ये हास्य व्यंग विशेषांक था, और आप देखेंगे कि अरविंद जी ये जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं अनुस्वार पत्रिका है, जिसका आज प्रेस क्लब में लोकार्पण किया गया, जिसमें फारूक अफरीदी प्रभात चीफ गेस्ट थे उसमें। गोस्वामी है हाँ, ना, तो ये आज ही इसका लोकार्पण हुआ जी। एक सवाल और है थोड़ा, चूंकि व्यंग की और हास्य की बात चल रही है, तो एक सवाल और है। आप मेरे ख्याल से जब निरंतर लिखते ही रहते हैं, जी तो जो आपकी अर्धांगिनी है जी उनको आपसे शिकायत नहीं होती कि आप हमेशा सर लिखने बहुत में शिकायत पड़े हैं? होती है उनको, बड़ी शिकायत होती है, वो कहती हैं आज भी उन्होंने प्रेस क्लब में ये कहा, जब उनसे बोला बुलवाया गया, बोले ललित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, है ना, मैं इनको बोलती हूँ कि यहाँ घूमने चलो, चल पड़ते हैं, लेकिन ये समय नहीं देते मुझे। अब सर मैं मजदूर आदमी हूँ, जितना समय है उतना समय मैं देता हूँ, लेकिन एक एक अच्छा पति बनना चाहिए हर लेखक को, और लेखक को ज्यादा सक्रिय नहीं रहना चाहिए। मैं आज सार्वजनिक तौर पे इस मंच के माध्यम से दुनिया और आवाम के सभी पुरुषों से ये निवेदन करूंगा कि भैया घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हो तो अपनी अपनी होम मिनिस्टर को समय दो, बच्चों को समय दो, और उनको टहला के लाओ, उनको घुमा के लाओ, ये भी बहुत जरूरी है। लिखना तो चलता रहेगा, हमें लेखन में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है कि फलाने की 20 किताबें आ गई हैं या उसके 50 कविता संग्रह आ गए, कोई कोई बात नहीं, जितना हम लोग कर पाएंगे कर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो या ना हो, लेकिन बड़ी बात है कि डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सब किताबें व्यंग संग्रह ये सब ई बुक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आने वाले लोग भी समझ रहे हैं, और कई लोग पुरस्कार के लिए लिखते हैं, लेकिन मैं हमेशा पाठकों के लिए लिखता हूँ, और पाठक हमने बनाए हैं एक मोहल्ला, एक कस्बा, एक समुदाय, एक देश जिसमें बहुत सारी एनर्जी है, और बहुत सारे हमारी युवा पीढ़ी है जो समझती है इस बात को कि किस विषय पर लिखा जाना चाहिए, किस विषय पर पढ़ा जाना चाहिए, तो अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं और अभी बहुत सारे लोग जुड़ना बाकी है। आपका जो एक फेमस कैरेक्टर है पांडे जी, जी विलायती राम पांडे विलायती राम पांडे, तो ये विलायती जी। राम पांडे कहाँ मिल गए आपको वैसे? ये सर मतलब ऐसा है कि मैंने मैंने व्यंग लिखा तो उसमें किरदार बड़ा पसंद आया, मैं मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी का पात्र है राम लुभाया, प्रेम जन्मेजय जी का पात्र है राधेलाल, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपनी दुनिया बनाऊं। मैंने जब प्रतिभा राय जो उड़िया की लेखिका है उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि ललित दलित जी मैं जब भी पात्रों से बात करती हूँ या पात्र मुझसे बात करने लगते हैं तो मैं एक्सीडेंट कर बैठती हूँ, लेकिन अरविंद जी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कम से कम 2 दर्जन पात्र मेरे अपने हैं, चाहे वो विलायती राम पांडे हो, दगड़ू पांडे हो, चिलमन हो, चीकू हो, राम प्यारी हो, राम खेलावन हो, और पांडे जी की जो विशेष सलाहकार है वो देवी का गजोदर है,
तो पांडे जी कभी किसी बिजली विभाग में अधिकारी हो जाते हैं, कभी शिक्षा विभाग में हो जाते हैं, कभी डीएम बन जाते हैं, और एक दिन तो विलायती राम पांडे जी प्रधानमंत्री भी बन गए। और तो जो विलायती राम पांडे प्रधानमंत्री बन गए, तो जब मैंने व्यंग वो लिखा गया और मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे वाकई में लगने लगा यार कहीं मैं प्रधानमंत्री तो नहीं बन गया, कहीं मेरे घर के सामने वो गाड़ियां पिकेट पुलिस फोर्स तो नहीं आ गई। तो मुझे लगता है कि लेखन से बड़ी शांति मिलती है, और जब तक मैं लिख नहीं लेता वो मन बेचैनी रहती है, लिखने के बाद मन बड़ा कूल कूल हो जाता है, चार कविताएं रोज लिखता हूँ, एक व्यंग लिखता हूँ, तो बड़ा मुझे बड़ा मजा आता है लिखना। तो जैसे पहला प्यार है बिल्कुल उसी तरह का है जी। डेली रूटीन क्या होता है आपका? सर मैं सुबह 5:30 से 6 बजे उठ जाता हूँ, और 6:30 के करीब पिताजी के साथ उनको उनके साथ चाय पीता हूँ, कई सारी बातें करता हूँ, देश विदेश की, राष्ट्रीय चिंता चिंता करता हूँ, और 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, और 8 बजे निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ, 7:45 बजे घर आ जाता हूँ, कुछ चिट्ठियां कुछ ये, और थोड़ी देर के लिए मैं टीवी देखता हूँ बस, उसके बाद कोई किताब उठा लेता हूँ, सो जाता हूँ, फिर यही रूटीन चलता रहता है। और ऑफिस में कुछ लोग मिलने आते हैं, कुछ पुस्तकें आ जाती हैं, इसी तरह घर में भी कुछ पुस्तकें आ जाती हैं, तो पढ़ना अच्छा लगता है सर। बाकी किताबें जितनी मिल जाए उतनी कम है, और जितनी किताबें मुझे मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को, मित्रों को, लाइब्रेरीज को भेंट कर सकूं, ताकि जो हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सेवानिवृत्त लोग हैं, वो पढ़ सकें, और बस यही ध्येय है जीवन का कि एक अच्छा इंसान बनूं और सबके काम आऊं, बस एक इंसान बना बना रहूं, यही बहुत है। नहीं, इंसान तो आप बहुत अच्छे हैं, इंसान तो आप बहुत अच्छे हैं। और मेरी तो मुलाकात भी आपसे है पहले, आपको शायद पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, शिमला में हम लोग मिले थे एक बार एक जी प्रोग्राम जी में। जी जी हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने दिनचर्या के बारे में तो बता दिया, तो लेखन किस समय करते हैं? सर ऐसा है कि मैं हाथ से लिखो तो बहुत समय हो गया, मैं लैपटॉप पे नहीं लिखता, मैं मोबाइल पे लिखता हूँ, मोबाइल पे नोट्स में लिखता हूँ। और आप ये देखेंगे कि मैं जब ब्रह्मपुत्र लिटरेरी फेस्टिवल गुवाहाटी में गया, तो वो फ्लाइट जो है गुवाहाटी से दिल्ली की फ्लाइट 2.5 या 3 घंटे की है, तो उस 2.5 घंटे की फ्लाइट में मैंने एक व्यंग लिख लिया, और जब मैं फ्लाइट से उतरा वो बेल्ट की ओर बढ़ा, तब तक मैंने अपना व्यंग जनसत्ता में भेज दिया था, और उसके 3 दिन बाद जनसत्ता में मेरा व्यंग छप गया। तो मुझे लगता है कि हर रोज आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो उसको तुरंत तुरंत कर देना चाहिए, यदि मैं नहीं लिखूंगा तो फिर मैं चीजें भूल जाऊंगा, तो साथ साथ लिख देना चाहिए। शायद मेरे ऑफिस में जब चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर बलदेव भाई शर्मा थे पहले, आजकल वो वीसी हैं रायपुर में, तो जैसे ही कोई कार्यक्रम होता है या एनपीटी का कोई प्रोग्राम होता है और मैं अगर मंच पे हूँ, तो मेरा स्टाफ मुझे फोटो व्हाट्सएप करता है, उतनी देर में मैं फोटोज रिपोर्ट कैप्शन सब बना के एयर कर देता हूँ, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है पत्रकार आते हैं, प्रेस के लोग आते हैं, सर इस कार्यक्रम की रिपोर्ट दे दीजिए, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप अपना व्हाट्सएप देख लीजिए, रिपोर्ट आपको भेजी जा चुकी। गजब, जी तो ये प्रतिभा बहुत कमाल की है। यहां तो मैं अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ लिखता हूं तो गलती कुछ ना कुछ रह जाती है, तो दोबारा पढ़ के ठीक करना पड़ता है, और कई बार तो जी अपनी निगाह से ही नहीं दिखाई पड़ता, तो मित्र लोग कहते हैं कि ये यार इसको तो ठीक कर दो जरा, है ना? अरे सर क्या बात जी तो ये तो वाकई एक जबरदस्त प्रतिभा है। और सर। अब बातें तो हमने कर ली हैं थोड़ा, अब जनाब आपका एक तो व्यंग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और करके मैं अपनी वार्ता यहाँ पर खत्म करूंगा। बस एक व्यंग सुनेंगे आपका, जी तो जैसे कविताएं जो आप लिखते हैं, जी कविताएं आपने जैसे बताया कि बहुत सारे संग्रह आपके एक तरह से हो गए हैं, तो जी ये जी कविताएं जो हैं वो इनका जो कैनवस है मतलब वो किस तरह का है? प्रेम कविताएं हैं या मतलब कि
क्योंकि कुछ कविताएं तो मैंने देखी हैं, लेकिन ये है कि वो तो मुझे ही लग रही थी। तो और संबोधित किसको करते हैं, मतलब आप आपके सामने कविता लिखते समय पाठक वर्ग कौन किस तरह का होता है? सर ऐसा है कि आप मुझे कोई शब्द दीजिए, अभी आप मुझे कोई शब्द दें, मैं उस पे लिख दूंगा। मुझे मुझे लिखना पसंद है। आप देखिए कि मैंने छोटी सी कविता है, जिंदगी माने तुम केवल तुम, जिंदगी माने तुम केवल तुम, तुम्हारे साथ जिंदगी का स्वाद बढ़ जाता है। हलवाई का पोता हूं साहब, मेरे दादाजी हलवाई थे, तो इसलिए मेरी हर रचना में, चाहे व्यंग हो कविता हो, उसमें मिठास आपको नजर आएगी। तुम्हारे साथ जिंदगी का स्वाद बढ़ जाता है। कल्पना करूं यदि तुम ना होती जिंदगी में मेरी, सराय से घर में घर का मालिक। हाँ एक कविता और सुनाता हूँ आपको, छोटी सी। लड़कियां प्यार करती हैं, लड़कियां प्यार करती हैं, जताती नहीं। लड़के भी करते हैं प्यार, साले मोहल्ला उठा देते हैं बुलेट में साइलेंसर के, ऐसी मैं की जब वैसी। 2008 में जापान गया तो एक मेरी कविता है, गांव का खत शहर के नाम, वो उड़िया में, अंग्रेजी में और तमाम भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वो रचना आपको सुनाना चाहूंगा, जी गांव का खत शहर के नाम। उस दिन डाकिया बारिश में ले आया था तुम्हारी प्यारी चिट्ठी, उस दिन डाकिया बारिश में ले आया था तुम्हारी प्यारी चिट्ठी, उसमें गांव की सुगंध, मेरे और तुम्हारे हाथों की गर्माहट से मेरे भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा था। सच ढेर सारी बातें लिख छोड़ी थी तुमने, समय से काम पर जाना, ठीक वक्त पर खाना खाना, और सबसे जरूरी, हाँ सबसे जरूरी, शहरी सांपिनों से दूर रहना। कितना ख्याल रखती हो मेरा, या कहूं कि अपना। याद है वह सावन की अलसाई दोपहर, जब ब्याह से केवल 2 दिन पहले गेंदा ताई के ओसारे में खाए थे मैंने, तुमने सत्तू और चूरमे के लड्डू, जिन्हें तुम सुबह से अपनी ओढ़नी में छिपाए हुए थी। तुम्हारा खत उसका भी स्वाद दे रहा है। और याद आ गया मुझे, बट्टू के पैदा होने पर बाटी थी गांव भर में मिठाई, मैंने अम्मा ने संभाल संभाल कर, जब मेरा बिट्टू हुआ था 10 बसंत का। बिमला कैसी है, क्या बापू को याद करती है? बिमला अब तो बड़ी हो गई होगी, ध्यान रखियो शहर की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। लड़की जात है ताड़ की तरह बढ़ जाती है। तुमने लिखा था पूरन काका की 13वीं 14 को है, समय मिला तो आ जाऊंगा, पर शहर में समय मिलता है क्या? बहरिया पिताजी के वक्त आया था, सब कुछ देखना पड़ता है जी, मेरा भी मन ना लगता, मुझको भी कुतुब मीनार देखना है। अब की तुम्हारी एक ना सुनूंगी, हाँ पिछले महीने कजरी का गांव में, कजरी का वहां भी गांव में हीरो बन के आया था। तुम भी पैंट कमीज और बूट पहन कर आना, और याद से वो तिरछी टोपी जरूर लीजो, तो वहां में मुझको राजा दिखे। अच्छा अब खत बंद करती हूँ, तुम्हारी पत्नी जमुना देवी, काली मंदिर के पास गांव और पोस्ट ऑफिस ढूंढसा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। वो वाह, कविता मतलब सुनाई थी वहां, तो वहाँ के एक आलोचक थे, जैसे नामवर सिंह जी की हमारे यहाँ भूमिका थी हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान के जो नामवर सिंह थे उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान की कविता में सुरा सुराई सुंदरी से ये 3 शब्द ऐसे हैं कि हम इससे अभी तक बाहर निकल के नहीं आए, लेकिन हिंदुस्तान की कविता सुनकर मन आज प्रसन्न हो गया। तो जब किसी दूसरे मुल्क के लेखक के मुंह से ये सुनने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये वाली कविता उनको पसंद आई, मॉरिशस में भी पसंद आई, ताशकंद गया था वहां भी ये कविता पसंद की गई, हांगकांग, मलेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया में भी इस रचना को काफी लोगों ने पसंद किया। जी अरविंद जी, आप व्यंग पढ़िए। व्यंग, व्यंग मैं खोज रहा हूँ कि कौन सा व्यंग मैं सुनाऊं। मुझे लगता है कि जो हमारे प्रवासी लोग हैं वो जब, हाँ ये सुना रहा हूँ, पांडे जी और प्रवासी प्रेम। इन दिनों अपने विलायती राम पांडे ने बड़ी शिद्दत से ये महसूस किया कि दुनिया में मतलब स्वार्थ और मौका परस्ती का मामला सर्वोच्च सीमा की सभी सीढ़ियां क्रॉस कर गया है।
पिछले महीने पांडे जी का चपरासी कुछ बात बताने शौचालय के भीतर तक आ गया और ये कहने लगा कि साहब पिछले दिनों जब आप यात्रा में थे तो मैंने आपकी कुर्सी निकलवा कर उसकी ड्राई क्लीन करवा दी थी। अब पांडे जी ने हल्के हल्के ही ये गहरी बात की, तुम तो बड़े समझदार हो, कम से कम कुर्सी कमरे में तो रख देते, जबकि पांडे जी ने मौखिक निर्देश दूसरे चपरासी को चाय के लालच में दे दिए। कुछ देर में पांडे जी के कमरे में वह कुर्सी ऐसे बैठी मुस्कुरा रही थी मानो कह रही हो कि अब पांडे जी इतनी भी बेकरारी सही नहीं गई कि दफ्तर में तमाशा खड़ा कर दिया। अब पांडे जी ने कहा कि दिलबर तुम हो ही ऐसी, बाय द वे आजकल सारा खेल कुर्सी पर जो टिका है। पांडे जी ने देखा और महसूस किया कि दर्जन भर लेखक जो भारत में एक जमाने में रहते थे मगर किसी काम से विदेशों में वहां के लोगों को ये भ्रम दिला रहे हैं कि उनके भीतर प्रेमचंद, उनके भीतर निराला प्रसाद बसते हैं। कोई तो यहां तक भी कह देती है कि महादेवी जी की लेखनी इनके लेखन में परिलक्षित होती है, जबकि सच्चाई उनको भी पता कि घंटा उनके लेखन से तो ना तो किसी की किस्मत बदलने वाली है ना कुछ और स्यापा होने वाला है। ये प्रवासी टाइप के जीव बड़े चतुर सुजान किस्म की मेंटलिटी के बने होते हैं, इन्हें सर्दी भी बहुत लगती है, ऐसा भी नहीं है, ये दरअसल मौका देखते हैं कि किसी कारण अपने देश चले, वहां की सरजमी को चूमकर अपने मुल्क लौट आए। भारतीय जो भी हो वे सिरे से निखद हैं, उनके लिए प्रवासी सेंट, टी शर्ट, पेन या $2 से $5 का माल ले आएंगे। बेचारे भारतीय इसी बात से सेट हो जाते हैं। यदि सामने वाला किसी पुरस्कार समिति में हुआ तो प्रवासी जीव उनके लिए ड्यूटी फ्री शॉप से स्कॉच की बोतल लाने से भी परहेज नहीं करते, क्योंकि उनकी नजरों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दिमाग में घर कर चुके होते हैं। उन्हें अपना लक्ष्य पता है, जब तक वे उसे साध नहीं लेते उनके बेसिक टाइप की बेचैनी उनके मन मंदिर में घंटाल की तरह बसती रहती है। आइए अब दूसरे पहलू पर गौर करें, यह प्रजाति अलग किस्म की है। पांडे जी को मुंबई में किसी कॉलेज ने बुलवा लिया था, किसी धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था थी। पांडे जी के रूम पार्टनर को पता चला कि इस कमरे में कोई और भी रहेगा, तो उसने ऑर्गेनाइजर से कह दिया कि मैं कमरा शेयर नहीं करूंगा। आयोजक मुंबई करते तत्काल कह दिया कि अलग से कमरे का आपको भुगतान करना पड़ेगा। बहरहाल ज्यादा खर्चा प्रवासी पंछी को रास ना आया, वे मान गए। पांडे जी से रहा नहीं गया, कहने लगे आपका जन्म तो यही हुआ ना कि नहीं, तो असल में दिक्कत कहाँ है। वह सज्जन 60 के लपेटे में थे, चेहरे पर हल्की घाघ दाढ़ी थी, कहने लगे मैं बिना कपड़े के सोता। पांडे जी के लिए बात नहीं थी, पूछा ये किस लिए, कहने लगे आदत खराब हो गई भाई साहब। पांडे जी ने बोला कि आप भूल कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान है और यहाँ का कीट पतंगे और मच्छर आजकल बड़े एक्टिव मोड पर हैं, आपको कहाँ कहाँ काट कर सुझा देंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी साहब डेंगू का प्रचलन है, कितने ऐसे पेशेंट सरकारी अस्पताल में एडमिट हैं, कितने तो बेचारे बिना इलाज के चले गए, इसलिए मेरा तो इशारा था, आप अब बिना लत्ते के ना सोना, कह दिया जो कहना था। वे सज्जन जो थोड़ी देर तक ये सोचते रहे पांडे जी है कौन जो भाषण पिला रहे हैं, कह रहे मैं मुंशी प्रेमचंद हूं वहां का, झट बाजार गए और अपने साइज का कुर्ता ले आए। शाम को पांडे जी से बोले आप लेते हैं। पांडे जी को यह सवाल बड़ा अनैतिक किस्म का प्रतीत हुआ। थोड़ा गुस्सा करते हुए पांडे जी ने कहा कि उम्र का लिहाज करो, क्या अपने घर में भी आप किसी से इसी टोन में पूछते हो, प्रवासी टिंडे मान लो। टिंडे ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरा मतलब आप बियर लेते हैं। अब पांडे जी चमके थे, भीतर से कहा कि ये तो मात्र जो का पानी है, ये किसी भी मौसम में लिया जा सकता है। प्रवासी टिंडे ने पांडे जी को साथ लिया और एक शानदार बार में दाखिल हो गए। लगे हाथ पांडे जी ने 7 बोतल रगड़ दी। प्रवासी टिंडे को भी जोश आ गया, वह तो 5 में खलास हो गया। जब बिल आया तो पांडे जी लघु शंका के लिए प्रस्थान कर चुके, उन्होंने देख लिया कि प्रवासी टिंडे ने भुगतान कर दिया तो लौट आए, और अनुभवी भारतीय लेखक की मानिंद बोले चले जनाब, कल सेमिनार भी है और आपने पर्चा भी सुनाना है विजिटर्स को। हाँ मैं हाँ मिला था, प्रवासी टिंडा धर्मशाला लौट आया। उधर पांडे जी सोचने लगे कि ये प्रवासी ओरिजिनल टाइप भारतीयों को समझते क्या। बहरहाल
आइए जरा आगे बढ़ते हैं, एक प्रवासी महिला के पास लिए चलते हैं। वह आजकल अपने शरीर से तंग आ चुकी है, छड़ी लेकर चलती है, लेकिन जब भी भारत आती है तो घर में नहीं टिकती, होटल में रहती है, और दिल्ली जैसे महानगर में लोगों को दफ्तर और घर दूर है, सो सबके पास ना तो जा सकते हैं ना आ सकते हैं। वह छड़ी घुमाती हुई कई प्रकाशन संस्थान में घूमती है और ये कहती हुई पाई जाती है कि मैंने इतना काम कर लिया, देखो भैया मुझे अमर कर दो, फलाना ढिकाना, अब उम्र का क्या भरोसा। पांडे जी ने कहा कि भाई आपका अंतिम चरण है, आप घर बैठिए, काहे को दर दर दर्शन देकर प्रेशर बना रही हो। पांडे जी कहते कुछ नहीं, पर दयाल बाबू से ये बात साझा करते हैं कि भैया क्या पागल समझ रखा है, जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है कि हम फलाने लेखक के बारे से, या उस टाइप का लेखन या कॉपीराइट हमारे पास है। अब आप आगे चलिए, एक और प्रवासी जीव है, विदेश में धंधा है, वहां ये जनाब ट्रक चलाते हैं, नाम के आगे प्रोफेसर लिखते हैं, जिससे हमारे यहाँ दुकानों पर प्रोपराइट लिखा होता है, तो ये प्रोफेसर प्रोफेसर लिखते हैं। दूसरा ये समझ लेता है कि ये किसी विश्वविद्यालय में होंगे। पांडे जी ने एक जासूस टाइप के मित्र से पूछा और उन्होंने अच्छे से पड़ताल कर ली कि ये जनाब ट्रक चलाते हैं, हिंदी में प्रेम है, दो दर्जन लोगों को उन्हीं के खर्चे पर अपने यहाँ बुलवाते हैं, लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं और सुखद स्मृतियों के साथ लौट जाते हैं, भाई की दुकान चल निकलती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और जनाब है वे टिपिकल टोपी पहनते हैं, पता नहीं क्यों, या तो किसी से कर्जा ले रखा है उससे छिपाने के लिए, कहीं कोई पहचान न ले। बहरहाल इनका भी ये रहता है कि दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या ऐसे छोटे शहर जिनको इनकी कारस्तानी का पता नहीं होता कि ये किस लेवल का लेखक है, इनसे कोई पढ़ा लिखा सवाल करने लगता है तो इनको पकाना लग जाता है, सोचता हुआ याद आकर कहां फंस गया, यानी अजब तमाशा, अजब रंग। आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जितने भी लोग आए हैं किसी के बेटे या सुपुत्रिया वहां खाका मारे हैं और वहीं से बैठे हुए सोशल मीडिया पर भारत को, यहाँ के लोगों को और यहाँ की कार्य प्रणाली को मन से जतन से कोसने में पीछे ही नहीं अपितु अव्वल पायदान पर है। क्या कहेंगे सुन लीजिए, इंडिया कोई रहने की जगह है? कूड़ा है, गंदगी है, आउटडेटेड लोग हैं, जानवर और जाहिल किस्म के, जबकि सच्चाई ये है कि जो अपने पांडे जी बतला रहे हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ, शिक्षा यहाँ ली, यहाँ की धूल मिट्टी में खेले, अब ये यहाँ की परंपरा और यहाँ की धरोहर को कोस रहे हैं। पांडे जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके तत्काल पासपोर्ट रद्द कर इन्हें हिंदुस्तान वापस बुलवा लिया जाए और इन्हें कम से कम 1 महीने की सजा दिल्ली के इन बस्तियों में रहने के लिए दिया जाए, जिनमें सीलमपुर, दक्षिणपुरी, मंगोलपुरी, ब्रिजवासन, नांगलोई, सदर बाजार, कापासेड़ा और दिलशाद कॉलोनी हो, सब भूल जाएंगे। तभी अंतर्मन कुमार ने कहा, पांडे जी प्लीज कूल डाउन कूल डाउन। पांडे जी समझ गए थे कि जितने भी प्रवासी टाइप के टिंडे, गोभी, टमाटर, आलू बुखारे या मिर्ची टाइप के लोग हैं, ये सुधरने वाले नहीं है, इनको हमको ही सुधारना होगा, इनके झांसे में बिल्कुल ना आए, ये कोई अवतार नहीं है, ये वे प्रवासी मंडी के आड़ती हैं जो अपनी सब्जी को अच्छा बताने के लिए भारत जैसी मंडी की तलाश में रहते हैं और उनके वहां सर्दी पड़ी नहीं कि ये मौका खोजते हैं। फिलहाल भारत में आने वाले आड़ती है लंदन, कनाडा, मॉरिशस, फिजी, जापान, अमेरिका से आ रहे हैं, इनका आना निरंतर जारी है। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जिन्हें अपना धंधा चमकाना है, यानी साहित्य पर्यटन, उन्हें ऐसे ही लोगों की तलाश है, या समझ लीजिए कि वे कहना चाहते हो कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अपने यहाँ दर्जन भर संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं, उनकी शाखाएं दिल्ली, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मुरादाबाद, रायपुर, भोपाल और मुंबई में एक्टिव है। पांडे जी ने कहा कि उन्हें किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारनी, बल्कि आम जन को केवल चेताना है कि भैया काम करो, बेशक पर जरूर देख लो कि सामने वाला कितना पानी में है। दूसरी ओर काम की बात, कभी भी विदेशी पर्यटन की बात आती है तो एयरलाइंस 10 टिकट पर 1 टिकट फ्री देती है, ये केवल बताने के लिए कहा है, अब आयोजक का कॉलर मत पकड़ने का, अब अंतिम मोड पर अपन खुश रहिए, खुजलाने का जो अपने भारत में मजा है, अब साहित्य में खुजलाओ या राजनीति में, सब जगह एक ही रोग है, वह आगे बढ़ने का, यानी महत्वाकांक्षी होने की पीड़ा, जो हिंदुस्तान आप देख रहे हैं उसे उसे स्वच्छता का साथ दो,
आप किसी दिन शताब्दी से किसी और शहर के ऊपर प्रस्थान करो, आप देखेंगे हमारे भारतीय किस कदर नियम कायदे और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई देंगे। रेल की पटरियां उनका साक्षात प्रमाण है। प्रवासियों को समझ में आ गया है कि भारत के लोग अब बुद्धू नहीं रहे हैं। उन्हें पागल मत समझो, उन्हें भी पता लग गया है कि प्रवासी टिंडे भिंडी गोभी जो भी है अपना उल्लू सीधा करने भारत आते हैं। जैसे ही सर्दी का प्रकोप कम होने को लगता है दौड़ जाते हैं। अवसरवादी होना भी एक गुण है जिसे भुनाने में पीछे नहीं। तभी व्हाट्सएप पर टिन जैसा कुछ बजा, संदेश था, चलो भैया शताब्दी लेनी है कि नहीं। चल दिया पांडे जी ने मुकाम की ओर। राम प्यारी ने कहा आराम से जाना, अच्छे से आना। जी अन्नपूर्णा जी, कहते हो पांडे जी लिफ्ट से उतरे और गाड़ी में बैठते हुए स्टेशन की ओर चल पड़े। जय हो पांडे जी की। अरविंद भैया लगे मैं तो सोच रहा था भी कि अभी थोड़ा थोड़ा और लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। फिर किसी दिन किसी मोड़ पर हम सब फिर दोबारा से बैठेंगे और लंबी लंबी बातें करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपसे बातचीत करके आपसे बहुत बातचीत करके बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा, और आपने काफी टाइम आपने दिया काफी मुझे, टाइम दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज कुछ टेक्निकल आज कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल हो गई प्रॉब्लम है, हो गई है, अभी थोड़ी देर में अभी मैं और थोड़ी ठीक देर हूँ, में मैं मैं और आपको बात सुनाई दूंगा। सकती हूँ। अच्छा अच्छा नमस्कार। नमस्कार। अच्छी बात भाई सर, नमस्कार। आपने समय दिया और आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।